अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अभी बस नाश्ता किया था और स्कूल से कॉल आई थी कि यशवा की नेक्स्ट क्लास के लिए ना आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, तो इसलिए आपको स्कूल आना ज़रूरी है। तो अभी हम आए थे स्कूल और यहाँ पे ये सेक्रेटरी है, तो वो फिर ये सारा कर रही थी और हमसे उन्होंने पूछा कि आप मतलब कल आएँ और किस टाइम आएंगे आप, तो वो फिर अपॉइंटमेंट हमें मिल गई थी नेक्स्ट डे की। और यहाँ पे ये है कि टाइम आ उन्होंने ये बड़ी सहूलत दी हुई थी कि अपनी मर्ज़ी से हम चूज़ कर सकते हैं। तो फिर 11 बजे का टाइम हमने चूज़ किया था। और ये है कि यहाँ पे जब 4 से 5 क्लास में जाते हैं तो दोबारा से वो एक एडमिशन की तरह आपको सारा प्रोसेस करना होता है, और जब आप 6 से 7 में जाते हैं तब इस तरह पूरा एडमिशन का प्रोसेस करना होता है। जैद का अभी हमें मेल नहीं आई, वो अभी छोटी क्लास में ही है ना, वो 2 से 3 क्लास में जाएगा। यशवा 6 क्लास से 7 क्लास में गई है अभी, तो इसके लिए उसका दोबारा से सारा एडमिशन वाला प्रोसेस चल रहा है। हमें भी ऐसा नहीं पता था, मुझे यही था कि बस जैसे लास्ट टाइम मैं बस रिज़ल्ट लेने गई थी यशवा का, और जस्ट फॉर्म पर थोड़ी सी चीज़ें फिल की थी कि यशवा अकेले स्कूल से बाहर जा सकती है कि नहीं, कैंटीन से खाना खाएगी कि नहीं, इस तरह की बस छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जिसपे पेरेंट्स के साइन करने थे, और बस ऐसा ही था कुछ। लेकिन इस दफ़ा वो सारे हम डॉक्यूमेंट्स जो एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं ना वो लेके गए थे। और कौन कौन से चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए आपको पेपर्स, वो मैंने लास्ट वीडियो जो है ना वो की थी, आपको अगर थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मुझे आता है कि एडमिशन के लिए पेपर कौन कौन से लाने चाहिए। तो बस अभी हम आ गए थे बाहर और अभी बस का वेट कर रहे हैं। गर्मी यहाँ पुर्तगाल में भी बहुत ज़्यादा है, ये मैं अपनी हर व्लॉग में बताती हूँ। आजकल तो इतनी गर्मी हुई हुई है कि जैद को थोड़ी देर बाहर रहता है ना, जब ज़्यादा खेलता है गर्मी में या इधर उधर भागता है ना, तो ब्लड आने लग जाता है नाक से, तो इसलिए बहुत ये अवॉइड करते हैं कि गर्मी में बाहर निकले। लेकिन अभी यशवा के लिए स्कूल आना बहुत ज़रूरी था तो इसलिए आए थे। फिर स्टेशन पे बैठा नहीं जा रहा था, फिर हम स्टेशन के पीछे खड़े थे और यशवा जैद फिर दोनों मुन्ना मोबाइल देख रहे थे क्योंकि बस बहुत लेट थी। ये जो हमारे घर की रूट की बस है ना, ये अक्सर ही लेट होती है। यहाँ ये नहीं है कि एक बस पर बैठे उसी पर सारी जगह आप जा सकते हैं, सारे रूट्स की बसेस अलहदा हैं। तो जो हमारे रूट की है ना, मतलब 712, ये तो इतना लेट करती है, और जो स्कूल जाने के लिए बस है 706 वो भी बहुत लेट करती है। तो ये बहुत एक मुझे मुसीबत है। अभी जब हम यशवा का करवाएंगे तो एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपने अगर बच्चों का स्कूल चेंज करवाना है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन यशवा को अभी स्कूल में इसके बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हुए हैं तो उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो चेंज करे। तो अब स्कूल से इनको ला के तो फिर घर मैंने इनको नाश्ता वगैरह करवाया और क्लिनिंग वगैरह की, और फिर मुझे आज कुछ लेने जाना था सब्ज़ियाँ। यहाँ ये भी पुर्तगाल में बहुत प्रॉब्लम है कि मतलब जो आपके पास घर के पास पास मिनी मार्केटों है ना, उन पे कुछ ऐसे हैं कि जहाँ से सारी सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मारती मुनीस जाना पड़ता है, वहाँ से आपको सारी वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। पिंगो तो उसे भी मिलती हैं सब्ज़ियाँ, लेकिन वो जस्ट होता है एक तोरी जैसे होता है ना वो होती है, बैंगन भी मिल जाता है, आलू मिल जाते हैं, गोभी भी मिल जाती है ईज़िली, लेकिन हमारा यही 3-4 सब्ज़ियाँ खा खा के ना दिल उकता जाता है। तो फिर मेरा दिल चाहता है भिंडियाँ हो, साग हो, कद्दू हो, कद्दू के कोफ्ते मैं फिर बहुत अच्छे बनाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए ये सारी डिफरेंट सी सब्जियाँ लेनी होती है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक ना गुजराती शॉप है, जैदों के स्कूल के बस से ही उस तरफ जा सकते हैं, तो फिर मैं वो लेने गई थी। तो वहाँ से ला के तो फिर जी बच्चे कहते हैं कि हमें पार्क जाना है, तो फिर वहीं से मैं इनको पार्क ले आई थी। फिर यहाँ बच्चों ने थोड़ा सारा खेला तो फिर मैं इनको घर लेके गई थी। यहाँ की जो रूटीन है ना वो इतनी टफ़ है कि एक जगह से बसों में हवार हो के बंदा घर आता है,
फिर दूसरी जगह जाना है तो दूसरी बस का वेट करना है, उस पर बैठ के जाना है। तो लेकिन जो हमारे पीछे हमारे होते हैं ना पाकिस्तान में, वो समझते हैं ओहो सारा दिन घर में बैठ के वहाँ तो मज़े ही हो रहे हैं, पता नहीं क्या उनकी तो ज़िंदगी हो गई हुई है। लेकिन कोई हमसे पूछे भाई सारा दिन बसों में हवार होते रहते हैं तो काम ही खत्म नहीं होते, बंदा बाहर से एक चक्कर लगाता है ना तो ऐसे थक जाता है। तो खैर फिर मैं वहाँ से सब्जियाँ लेके आई, बच्चों को पार्क से जब लाई तो फिर मैंने पहले सारी सब्जियां निकाल के रखी क्योंकि काफ़ी देर से वो शॉपर के अंदर थी। तो बैग से आते ही ना मैं पहले सब्जियां वगैरह निकालती हूँ, तो अभी जस्ट मैंने ऐसे ही शॉपर को खोल के रख दिया था। तो कपड़े भी नहीं चेंज करती और बस मुझे होता है कि फटाफट बैग खाली हो जाए। कभी कभी तो मैंने बैग पहना होता है, अभी ये जो मेरा हैंड बैग होता है वो भी पहना होता है और मैं इसमें से सब्जियाँ निकाल रही होती हूँ। तो स्पेशली मैं गई थी धनिया और पुदीने के लिए क्योंकि खाने के साथ चटनी मैं ज़रूर बनाती हूँ इसकी, धनिया पुदीने की, साथ में थोड़ा सा उसमें दही डालती हूँ। तो इस दफ़ा ना मैंने इनको मतलब क्यूब्स बना के नहीं रखा था, वो बड़ा लंबा सा काम हो जाता है। तो इतनी गर्मी है और आजकल तो बाहर के काम मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो आज फ्रेश भी बहुत ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि ये अगर ज़्यादा फ्रेश हो ना तो फिर ये आपका ज़्यादा टाइम निकाल जाता है, अगर पहले ही वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो, येलो हो, ख़राब हो रहा हो पुदीना, तो फिर वो इतनी देर तक ज़्यादा फ्रीज नहीं रहता। तो आज बस मैंने बनाया था जी कद्दू चिकन, साथ साथ मैंने सामान निकाल के रखा हुआ था उसको, मैं सारी चीज़ों को धो के रखा, फिर मैं सारी चीज़ों को ना फ्रीज़ करके रख देती हूँ। और आज तो आसिम कल ही ये चिकन वगैरह सारा कुछ लेके आए थे, आज इन सारी चीज़ों को भी धो के फ्रीज़ करना था। तो ये काम बड़े लंबे होते हैं और बहुत मुश्किल होते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है बस अभी दिन स्टार्ट हुआ था अभी दिन ख़त्म हो गया। और ये कद्दू चिकन मैंने बहुत दफ़ा अपने चैनल पे आपसे शेयर किया हुआ है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं की। तो बस फिर मैंने पुदीने को साफ़ करके तो इसको अच्छी तरह से धो के, तो मैंने थोड़ा सा देर ना इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। और मैं सब्जियों को फ्रीज़ कैसे करती हूँ ये भी मैंने एक व्लॉग पीछे आपसे शेयर किया हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें ना बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट होता है, लेकिन हम जब किसी का वो देखते हैं ना तो हम कहते हैं ये तो बहुत इजी था, हम भी इस तरह अपनी चीज़ को सेव कर सकते थे और अपना टाइम बचा सकते थे। और यहाँ यूरोप में तो ये है कि आपको सारे घर के काम खुद ही करने होते हैं, तो फिर इंसान ना ऐसे शॉर्टकट ढूंढता है कि सारे काम ना ईजीली हुए बाद में मिल जाए। तो इसलिए मैं ये ना सारा एक पेस्ट बना के, तो इस दफ़ा मैंने जार में डाल के रखा था, एक जार ये जो जैम वाला जार होता है ना, इसमें यहाँ पे जिसमें चने और ये लोबिया वगैरह मिलता है स्टोर से, उनको मैं वॉश करके रख लेती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ। तो फिर इस तरह की जो चीज़ें फ्रीज़ करने वाली होती हैं ना फिर मैं उनमें डाल के रख लेती हूँ, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट उनमें डाल के रख लेती हूँ जब मैंने क्यूब्स नहीं बनाने होते। तो आज ये चटनी भी काफ़ी सारी बननी थी तो दो चार जार ना मैंने भर के, तो एक नीचे फ्रिज में रख दिया था, एक फ्रीज़र में रख दिया था, जब नीचे वाला ख़त्म होगा फिर फ्रीज़र वाला मैं नीचे निकाल के रख लूँगी। और ये जो पुदीने की टहनियाँ होती हैं ना ये भी मैं नहीं फेंकती, इनको मैं गमले में लगा लेती हूँ, तो फिर वो बड़ा इजी होता है, चलती तो आधी ही है अंदर से लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ चल ही जाती हैं टहनियाँ अंदर से, मतलब पुदीना आ जाता है ऊपर। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप मेरी नई वीडियो भी देख सकें, और ये बिल्कुल फ्री होता है, आप आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिट्टी होती है ना वो भी इंसान को बाज़ार से ही लानी होती है, लेकिन ये एक इस मिट्टी की ना बड़ी खास बात है कि इसमें शायद ना खाद मिली होती है, जो भी चीज़ लगाते हैं ना वो बड़ी जल्दी से ग्रो कर जाती है, चाहे पौधे लगाएं चाहे धनिया जो भी लगाएं। तो ये बच्चों ने कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी उनको काट के, तो अपने इधर यशवा ने लहसुन लगाने का उसको बहुत शौक है तो वो लगाया हुआ था, तो ये अंदर से ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें पुदीने की टहनियाँ लगा देती हूँ क्योंकि फिर थोड़ा बहुत भी हो ना, कभी कभी नहीं भी कहीं दुकान से मिलता, मतलब स्टोर से नहीं मिलता, तो फिर मैं इधर से लेके फिर थोड़ी सी चटनी बना लेती हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें घर में लगी हो ना तो एक आंखों को भी बड़ी ठंडक सी मिलती है, जब इंसान इतनी गर्मी में इन पौधों को देखता है और जब इन पौधों पे ये पत्ते वगैरह इनके निकलते हैं ना तो वो एक अजीब सी खुशी होती है इंसान को कि अपनी लगाई हुई घर की चीज़ हम खा रहे हैं, कम अज़ कम मुझे तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं अब आपको अच्छा लगता है कि नहीं मुझे बताइएगा ज़रूर। और अब ना इस पर मैंने ड्यूटी लगा दी हुई है जैद और यशवा की, एक टाइम इसको यशवा पानी देती है,
और एक टाइम ना जैद इसको पानी देता है, इस तरह बच्चों को भी अच्छा लगता है। फिर पौधे निकलते हैं ना, जब भी वो पानी देते हैं फिर बताते हैं, मामा इतने इसके पत्ते निकल आए हैं, मामा इसके इतने पत्ते निकल आए हैं। तो एक बच्चों को भी एक्टिविटी मिल जाती है छुट्टियों में, इस तरह बच्चे भी बिजी रहते हैं, वरना मोबाइल छुड़वा के इंसान क्या करवाए इनसे। एक काम इनको बता दें वो करके फिर फटाफट से पूछते हैं अब क्या करें हम, तो फिर जब इनसे मोबाइल छुड़वाने हो ना, तो फिर खुद भी इंसान को अपने आप को इन चीज़ों में बिज़ी रखना चाहिए, क्योंकि अगर माँ ही पास मोबाइल लेके बैठी रहेगी ना, तो बच्चे भी, ये नहीं कि आप बच्चों को कहेंगे तुम खेलो और खुद आप मोबाइल लेके बैठे हैं, जब तक आप खुद मोबाइल नहीं छोड़ेंगे ना तब तक बच्चे भी नहीं छोड़ते। इसलिए आप खुद भी अपने आप को बिजी रखें, इस तरह के छोटे मोटे काम इंसान को घर में करते रहना चाहिए, खुद भी इंसान को फ्रेश फील होता है और बच्चे भी जो है ना वो बिजी रहते हैं। पुदीने की टहनियाँ लगाने से पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरह से धो के तो बकेट में रख दिया था, तो अब मैं इनको इस तरह ना, ये जो शॉपर होते हैं ना जिनमें हम चीज़ें ये सब्जियाँ वगैरह लेके आते हैं, मैं तो ज़्यादातर इनको ही धो के ना किसी खुले बर्तन में डाल के धो के तो इनको बाहर तार पर डाल देती हूँ, तो वो अच्छी तरह से खुश्क भी हो जाते हैं और साफ़ भी हो जाते हैं अच्छी तरह पानी से। तो फिर मैं इन्हीं में चीज़ें डाल के रखती हूँ, और फिर मैं इस तरह इनका ना एक पतला सा बिल्कुल लेयर बना के रखती हूँ। इससे ये होता है कि आपके फ्रीज में ना इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं होती, और ये ना इस तरह आपकी चीज़ें ना चिपकती भी नहीं है एक दूसरे के साथ। अगर आप इन शॉपिंग बैग में डाल के और इसकी डबल लेयर करके रखते हैं ना, तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो इस तरह आपका, अगर आप गोश्त वगैरह जब भी फ्रीज़ करने लगते हैं ना, इस तरह इसका पैकेट बना के रखें और इस तरह से शॉपर को दो दफ़ा टर्न करें ना, तो किसी मोटे शॉपर में डालें या इस तरह के शॉपर में डालें, तो उसको दो दफ़ा आप टर्न कर देंगे तो वो फिर ये शॉपर एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है। और जब आपने इसको पकाना होता है ना, तो इस तरह इसकी पतली लेयर होती है ना, तो वो बड़ी जल्दी वो चीज़ ना आपस में खुल भी जाती है, गोश्त वगैरह, वरना काफ़ी देर पड़ा रहता है तो फिर भी वो खुलता नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप वो जो गोश्त वाला शापर होता है ना, उसमें पानी में थोड़ा सा नमक डाल के फिर उसमें रखें, तो फिर भी वो जल्दी मतलब खुल जाता है। तो मेरा फ्रीज़र तो वैसे भी थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैं इस तरह की बहुत चीज़ें जो है ना वो ट्राई करती रहती हूँ, और ये बहुत जल्दी मतलब फ्रीज़र से भी जल्दी जल्दी निकल जाता है, वरना वो शापर चिपक जाते हैं और खुलते नहीं हैं। तो बस ये किचन के सारे काम ख़त्म करके, तो फिर शाम को मैंने ये चिकन के दो तीन रह गए हुए थे पैकेट्स करने वाले, ये मैंने नीचे फ्रिज में रख दिए थे, मैं बहुत थक गई हुई थी। तो फिर शाम को मैंने इनको भी इस तरह शापर में डाला और इनको भी मैंने उसी तरह तय लगा के, तो फिर इनको मैंने फ्रीज़र में रखा था। इस तरह ना जगह भी फ्रीज़र में कम आपकी होती है और चीज़ें भी ज़्यादा आ जाती हैं फ्रिज में। और किसी ने ना लास्ट व्लॉग में मुझे कहा था आप फ्रिज बड़ी क्यों नहीं ले लेती हैं, तो यहाँ ना पुर्तगाल में मतलब लिस्बन में स्पेशली घर बहुत छोटे होते हैं, और जब आप घर लेते हैं ना तो उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं घर के लिए भी कुछ ना, तो कुछ उन्होंने फिर ये भी पहले कह लेते हैं कि अगर आप घर छोड़ के जाएंगे तो जो सामान घर में है आपको जाते वक्त यही सामान घर में छोड़ के जाना है। तो फ्रिज की जगह ना यहाँ बिल्कुल फिक्स है, जहाँ पर अभी फ्रिज पड़ा हुआ है इसमें हम बड़ा फ्रिज नहीं रख सकते। और दूसरी बात ये कि अगर हम फ्रिज ले भी आए तो घर में इतनी स्पेस ही नहीं है कि हम किसी और जगह पे रख सकें, तो इसलिए बस इसी से मैं काम चला रही हूँ। तो इसलिए मैं बड़ा मैनेज करती हूँ, क्योंकि बाहर भी काम करने होते हैं घर पे भी, तो इस तरह मैं ना वीकली इस तरह की जो फ्रीज़ करने वाली चीज़ें हैं ना वो करके रख देती हूँ। और मैंगो को जो मैं सुबह ले कर आई थी उनको धो के मैंने इस तरह टिफ़िन में कटिंग करके रख दिया था, तो फिर शाम के टाइम मैंने ना उनके भी इस तरह के शॉपर बना के छोटे छोटे उनको भी ब्रीक से लेयर बना के, तो फिर इनको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब जब भी मैंने मिल्क शेक वगैरह बनाना होगा ना, तो फिर इजीली मैं निकाल के बना लूँगी। तो बस यही थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नई वीडियो भी देख सकें, शायद जो एक्टिविटीज़ मैं करती हूँ अपनी लाइफ में शायद वो किसी के लिए हेल्पफुल हो। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।